हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं उस मंजर को याद कर रहा हूं जब मैं ऑफिस में था। 26:11 का वक्त था और अचानक फ़ोन की घंटी बजी और उसके बाद 5 दिन तक मैं ऑफिस में ही डटा रहा। यूँ तो मैं एंटरटेनमेंट कवर करता हूं लेकिन उस वक्त ये एक ऐसी घड़ी थी जहां हर वक्त पूरे देश की नज़र हमारे चैनल पर टिकी हुई थी और हमने पूरी मुस्तैदी के साथ इस मंजर को देश तक पहुँचाया। बहुत ही ये दिल दहलाने वाला वाकया था। आई थिंक हमारी आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। 26:11 की ट्रेजेडी अब दिखाई दे रही है। डिजिटल मीडियम पर अमेज़न प्राइम पर एक वेब शो आ रहा है जिसका नाम है मुंबई डायरीज 26:11 और उसमें कहानी एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, एक अलग ह्यूमन पर्सपेक्टिव से है। और टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो इस कहानी को कह रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर कौशिक यानी हमारे महादेव मोहित रैना जी, और जो इसमें एक डॉक्टर बने हैं, और उनके साथ उनकी टीम ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। मोहित जब भी आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और वेब पर मोहित डॉक्टर कौशिक बनकर इस कहानी को कह रहे हैं। तो मोहित, डॉक्टर कौशिक की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि मैंने इस वाक्य को जिया था एज अ जर्नलिस्ट। आई थिंक एक जर्नलिस्ट की लाइफ में ये बड़ा होता है जब इस तरह की सिचुएशन में इम्तहान होता है, और उससे भी बड़ा जो भगवान के रूप में हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा ही, जब इस कोई भी ट्रेजेडी होती है, अभी हाल ही में कोविड वायरस हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स का जो रूप सबने देखा तो एक चैलेंजिंग था वो स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर कौशिक बनना। हाउ डिड यू गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेशन होते हैं जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक आई थिंक आज से जब इंडिया में, जब ग्लोबली कोविड 19 पैंडमिक से पहले जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे, या वी यूज टू थिंक दैट वी आर जस्ट गोइंग टू अ डॉक्टर कि हमें बुखार है, सो दे आर डूइंग देयर जॉब एंड वी आर जस्ट पेइंग द फी एंड कमिंग बैक, अनलेस एंड अनटिल समवन हैज पर्सनली गॉन थ्रू दोज लाइफ सेविंग एक्सपीरियंसेस। बट इस पैंडमिक में हमने रियलाइज किया है दैट दीज पीपल सेल्फलेसली वर्क अराउंड द क्लॉक एंड वॉट देयर इम्पोर्टेंस इज। सो प्राइमरली जो हमारी सीरीज है मुंबई डायरी 26:11, ये इसी पे बेस्ड है, बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल पे, जिसमें मैं एक ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय प्ले कर रहा हूँ और नताशा डॉक्टर दिया पे प्ले कर रही हैं, एंड मृण्मय इज प्लेइंग डॉक्टर सुजाता एंड ही इज प्लेइंग आहान मिर्जा। सो वी ऑल आर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। सो कैसे डॉक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी उस रात को जब दे आर ओनली केपेबल ऑफ हैंडलिंग लाइक से एक्स नंबर ऑफ पेशेंट्स और एक्स नंबर ऑफ सर्जरीज, और उस रात को जब पूरा मुंबई शहर हॉल्ट पे था और अनगिनत लोग आ रहे थे, हाउ डिड दैट टीम ऑफ डॉक्टर्स रेस्पॉन्ड, और उस रात को बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल में क्या हुआ था? प्राइमरीली ये कहानी उस पर बेस्ड है। ठीक, तो एक बॉम्बे हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं भी जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और इंटर्न्स खासकर, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक शो किया था उनके साथ, तो पूछते हैं इंटर्न्स से कि कैसा रहा इनके लिए ये किरदार उस टफ सिचुएशन में प्ले करना। सबसे पहले नताशा, आपका जो जितना मैंने प्रोमो देखा है, एक प्रिविलेज लड़की लेकिन डॉक्टर बन रही है, सो इंटरेस्टिंग प्रिमाइस है, कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया, हाउ डिड यू गॉट इनटू इट? आई थिंक आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज कि एक ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक एज एक्टर्स हम बहुत ग्रीडी होते हैं टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो जब मुझे पता चला कि मैं किरदार प्ले कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से बात की, क्योंकि मेरी मम्मी एक डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि यू नो हाउ थिंग्स वर्क अराउंड। एंड आई थिंक जैसे आपने कहा वो प्रिविलेज है, बट उसकी कुछ दिक्कतें हैं, उसकी अलग इशूज़ हैं, एंड एट द सेम टाइम शी हैज़ अ लॉट ऑफ एंगजाइटी, बहुत एंगजाइटी इशूज़ हैं। एंड ये पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑन द जॉब, एंड 26:11 हैपन्स और इतना प्रेशर आ जाता है, जैसे अभी मोहित ने कहा कि एक्स अमाउंट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, बट ये सब डबल अप कर जाता है, एंड हाउ हम तीनों का ये पहला दिन है एंड वी जस्ट गेट इन टू इट। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है टू यू नो गेट इनटू द कैरेक्टर। काफ़ी वर्कशॉप्स हुई हमारी, हमने काफ़ी सीखा इन टर्म्स ऑफ कैसे, डॉक्टर शेख थे, एक महीने उन्होंने हम लोगों ने वर्कशॉप्स की उनके साथ विद प्रोस्थेटिक्स, एंड वो एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड बहुत आई थिंक इंस्पायरिंग भी था बिकॉज वो वहाँ पर थे, ही वॉज पर्सनली एक्सपोज टू एक्सप्लोजिव मटीरियल, एंड आई थिंक हर एक चीज़ हमने इतने क्लोजली देखी है, दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस बिल्ड द कैरेक्टर। तो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत मज़ा आया, एंड बहुत ही आई थिंक आई गॉट टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस इन मी।
तो हाँ ये बात है. तो मुरमणि आपका कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बिकॉज आई नो द डॉक्टर्स वो स्मॉल स्मॉल टाउन से आते हैं, वो लड़कियाँ स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स जो छोटे शहरों से आती हैं, उनमें एक अलग जज्बा मैंने देखा है रियलिटी. एंड व्हेन आई रेड योर कैरेक्टर ब्रीफ आई वाज लाइक ओके, सो किस तरह से आपने पूरा बैक स्टोरी और अपना ये कैरेक्टर डेवलप किया? एक्चुअली निखिल गोंसाल्विस ने ये कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर लिखा है, तो उसके लिए भी ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल है. जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा था आई कुड रिलेट टू इट, क्योंकि ना कि मैं छोटे से शहर से हूँ, लेकिन जो एक स्ट्रगल करना पड़ता है उनको, जिस तरह से उनको खुद को प्रूव करना पड़ता है, अपने लिए एक एक पाथ बनाना पड़ता है, और उसका एक उसने ना जो भी प्रिविलेज्ड है जैसे नताशा है इस सीरीज़ में, उनके लिए एक अलग ग्रज होता है उसके दिल में, तो उसने एक शील्ड खुद के अराउंड तैयार करके रखा है कि कोई पहुँचेगा नहीं, वो छेद के वो भेद के कोई मुझ तक पहुँचेगा नहीं. तो उसने जो भी अपने बलबूते पे पहुँची है यहाँ तक, कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया है उसने लाइफ में, हमेशा बहुत पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके, मिडिल क्लास भी नहीं है उसकी फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो जो स्ट्रगल था मुझे सबसे बढ़िया लगा, या फिर मैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, डायलॉग्स कम हो लेकिन लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा हो, बिटवीन द लाइन्स जो हम लोग ढूंढते हैं, तो सुजाता के कैरेक्टर में मुझे वो मिला कि दो तीन डायलॉग्स बोलती है वो सीन में, लेकिन जो प्रोसेस है वो डायलॉग तक पहुँचने की, जो जो भी दिल में उसके हो रहा है, सोच रही है बंदी, तो वो जब एक लाइन में सम अप करती है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो प्ले करना सबसे बढ़िया बात थी विद सुजाता फॉर मी. एंड सत्यदीप आप तो लाइक आई थिंक द कन्हैया ऑफ द, जब होते हैं इंटर्न्स जब आते हैं लड़कियों के बीच में लड़के होते हैं, उनमें एक अलग एक फर्स्ट डे जब होता है, और जहाँ अगर डॉक्टर कौशिक जैसे अगर आपके हो तो कैसा था वो सीन फर्स्ट डे यू मीट योर मैन? पर जब इंटर्न्स आते हैं तो लड़कों का अलग एनर्जी लेवल होता है, लड़कियों का अलग एनर्जी लेवल होता है, तो वॉट इज योर एनर्जी इन द शो? एज सत्यजीत आई वुड से आई विल कीप दैट असाइड, एज द कैरेक्टर आहान मिर्ज़ा. आहान मिर्ज़ा एक ऐसा लड़का है जो भिंडी बाजार का है, कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड में पला पड़ा है, लोअर मिडिल क्लास. ज़्यादा बताना नहीं चाहता कैरेक्टर के बारे में, लेकिन बचपन में शायद उसने ऐसी चीज़ें देखी थी जहाँ उसने मन बना लिया था कि मुझे इस जगह से ऊपर आके अपनी सोसाइटी के लिए, लेकिन मुझे वो कहते हैं ना ब्लिंकर्स ऑन करके टनल विजन के साथ काम करना है. तो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज यू नो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके दिमाग में वो लक्ष्य था कि मुझे बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने निखिल सर को ये कहा कि सर आप बोल रहे हैं इट्स अ वेरी अहम किरदार है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा है. एंड उन्होंने मुझे बताया कि सत्या आई वॉन्ट यू टू डू इट बिकॉज दिस गाय, इसका एक्सप्रेशन, इसकी आँखें हैं, देर आर सो मेनी टाइम्स जब ही इज कॉन्स्टेंटली वेन द कैमरा इज ऑन यू, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, तो एक कंडीशन होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये उससे ग्रसित है. इम्पोस्टर सिंड्रोम में ये होता है कि आप डजेंट मैटर जितना भी आप जिंदगी में आगे पहुँच जाएँ, कहीं ना कहीं आपको अंदर ऐसा लगता है कि आप एक फ्लूक हैं. अगर आप न्यूटन भी हैं, आइंस्टाइन भी, आपको लगता है यार मैं गलती से पहुंच गया यहाँ पे. तो वो उसका सबसे बड़ा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, डॉक्टर ओबेरॉय बोलते हैं कि भाई तुम यू नो तुम लोग नहीं टिक पाओगे वॉट एवर इट इज़, बट आप ये त्रासदी होती है एकदम से, इतनी बॉडीज आ रही हैं जैसे मोहित भाई ने बताया कि एक्स नंबर ऑफ बॉडीज आती हैं, 15-20 लोग आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन देयर इज अ बराज ऑफ पीपल कमिंग. मैंने तो लाइव देखा है, सो बिल्कुल आपने तो इतनी नज़दीक से देखा, आपने इतनी खूबसूरती से वो सारी चीज़ें बयां की जी. तो आप उस जैसे नताशा का कैरेक्टर है, जैसे मुन्मय बता रही थी, उस एंग्जाइटी के साथ आप डील करें कि जब ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं वो तो जो मोहित भाई किरदार प्ले कर रहे हैं उनके पीछे खड़े होकर 6 महीने खाली आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. आपको पहले दिन ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, हाथ काँप रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो रही है, उसमें ये तीनों ने कैसे चीज़ें हैंडल की, और बहुत खूबसूरती से निखिल सर ने, निखिल आडवाणी एंड जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं निखिल, वो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया था उन्होंने कि हमने जो वर्कशॉप है वहाँ पे चीज़ें इम्बाइब कर ली थी. वैसा होता ना कि प्याला पूरा भर गया, अब एक्शन और कट के बीच में जस्ट छलकाना है उसको, तो वी जस्ट यूज टू रिएक्ट टू द सिचुएशंस. वैसा माहौल बन गया था वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया करते हुए.
तो मोहित ये बताएं कि डॉक्टर का किरदार होता है, मतलब आई थिंक यू लुकिंग दैट पार्ट फिजिकली, बट जब आप कर रहे थे तो एक चीज़ एक प्रॉपर तरीके से कैंची कैसे पकड़नी है, यू नो इट्स वेरी डिटेल्ड, यू कांट गेट इट रॉन्ग. सो कैसे, यू नो, हु वाज द सेविंग ग्रेस, डिड यू डू योर रिसर्च, और डायरेक्टर वाज एक्सप्लेनिंग यू हैड समबडी ऑन द सेट्स, यू नो दैट ऑपरेशन सीन्स एंड खून एंड सो हाउ डिड यू डू इट. आई वाज लकी इनफ, मेरी जो बेसिक्स थे मेडिकल फ्रेटर्निटी की, जो भी बेसिक्स होते हैं वो करेक्ट थे, बिकॉज मेरे फादर डॉक्टर थे. सो बहुत सालों तक मैंने उन्हें डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए देखा है. ऑब्वियसली तब मैं छोटा था, बट उनके पास बहुत हैवी थिक बुक्स होती थी, बिकॉज तब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं थी ऑब्वियसली. सो दे यूज टू हैव दोज बिग हैवी बुक्स, जो ऑब्वियसली मेरे ऊपर से निकल जाती थी, बट मेरे बेसिक समझने से करेक्ट थे. बट ऑब्वियसली वैन यू हैव टू प्ले अ डॉक्टर, तो वी वर रियली फॉर्चुनेट कि हमको प्रॉपर वर्कशॉप करने का मौका मिला था. सो वी ऑल ऑफ अस हैड दिस लॉन्ग वर्कशॉप जो हम करते थे, जहाँ हमें स्टेप बाई स्टेप समझाया जाता था. यू नो इट वॉज लाइक यू लिटरली ऑल ऑफ अस हैड पेन एंड बुक विद अस, वेयर वी यूज टू मेक नोट्स, बिकॉज वी ऑलवेज न्यू कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इट वॉजन लाइक वी हैड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, वी हैड टू लिटरली राइट एंड मेक ए नोट ऑफ इट एंड रिमेंबर, बिकॉज हम जानते थे कि जब हम ऑन ग्राउंड जाएंगे, जब हम ऑन फ्लोर जाएंगे, वी वोंट गेट दैट मच ऑफ अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यू नो. सो इट हैड टू कम वेरी नेचुरली. एंड आई थिंक पर्सनली हम चारों बहुत लकी हैं, बिकॉज एज एक्टर्स आपको डॉक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, जो बहुत कम होता है, विच यू एवरी वन रियलाइजेज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो जैसे ही इस तरीके के मौके मिलते हैं, बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न. So learning this profession was hard, but it was like a lifetime experience for me personally, and I think I can say the same for everyone. All of us. I would like to add something to that. अमूमन होता है हमारी सीरीज और फिल्मों में डॉक्टर होते हैं, वो दरवाजा खोल के आते हैं, बधाई हो आपको ये हुआ, I'm sorry ये हुआ. लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, they are the हिंदी में शब्द होता है सर्वे सर्वा, they are the end all and be all of this narrative. आप उनके perspective से देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो आप कोई भी बीट गलत नहीं पकड़ सकते. इवन देयर वर शॉट्स, जैसे मोहित भाई बता रहे थे, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लॉन्ग शॉट हो रहा है वो रुकेगा नहीं, देयर इज नो कट. अगर आप सीरीज देखेंगे, कितना फोर्स लगाना है आपको उस प्रोस्थेटिक स्किन पे, तो वो इंसेशन खुलेगा जिसमें आपको ट्यूब डालनी है, उसके स्मॉल लिटिल थिंग्स, इट हैड टू बी, थैंक गॉड हम हाँ प्रोस्थेटिक्स पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक नर्वसनेस बनी रहती है समवेयर, that कई बार नर्वसनेस अच्छी होती है. वो भी उसके अंदर आदमी है. Exactly, I was about to add. अगर कुछ भी ज्यादा गया तो वो अंदर का इंसान, अंदर का इंसान बाहर आ जाएगा. Exactly. तो ऐसे कुछ मजेदार किस्से हुए मोहित इस दौरान, और ये लोग कैसे थे तीनों, मस्तीखोर कौन थे? I know it's intense story, but पर्दे के पीछे कितनी मस्ती हुई? To be honest, हमारा जो schedule था वो काफी grueling था, और हम लोग सब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने अपने कैरेक्टर्स में, और बिकॉज कहानी ऐसी है कि आपको ज़्यादा मजाक मस्ती और ज़्यादा यू नो लाइट मोमेंट शेयर करने का इतना मौका मिला नहीं, बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ इन अ वे वेरी डिफरेंट, विच डजंट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स एंड बी एट ईज. सो आई थिंक बहुत ऐसे कुछ दिन थे जब आई गेस जब हम लोगों का शायद शेड्यूल थोड़ा लाइट था, दैट वॉज अ टाइम वैन यूज टू एन्जॉय एंड यू नो सिट इन आर रूम. सो हमारे जो सेट था उसमें एक हमारे लिए अलग सा सेक्शन बनाया गया था सब एक्टर्स के लिए, हम सब लोग वहाँ बैठते थे. वहाँ पे बहुत वहाँ फोटोग्राफी बहुत होती थी. अच्छा, आई रिमेम्बर नताशे से, आई एम श्योर रील बनानी सीखी होगी आपने, हु इज द रील एक्सपर्ट हियर. हाँ, तो उसमें सब लोग बहुत 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 पिक्चर्स खींचते थे, एंड वी यूज टू हैव फन, वी यूज टू सिट एंड ईट एंड चिल एंड टॉक, बट एट द सेम टाइम उतनी ज़्यादा हम लोग, आई डोंट थिंक पर्सनली हमें उतनी लिबर्टी मिली कि हम इसे एंजॉय कर सके. एंड एट द सेम टाइम हम लोग सब, जैसे मैंने बताया, हम चारों के लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, सो वी वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. सो वी वर ऑल यू नो डीप इन टू इट, एंड एट द सेम टाइम वैन यू हैव द कैप्टन लाइक मिस्टर निखिल अडवाणी, हु लिटरली पुशेज यू टू डू योर बेस्ट, सो यू जस्ट, यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज. I think just
जस्ट टू एड व्हाट मोहित सेइंग, आई थिंक निखिल सर ने बहुत ही खूबसूरती से ही इज़ मेड अस गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, क्योंकि जो वर्कशॉप्स हमने की, जो जो जिन डॉक्टर्स हमने इंटरेक्ट किया, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल था. जैसे सत्या भी बोल रहा था कि हमें वी डिटेल में वी गॉट टू नो, इट्स नॉट लाइक हम फेक कर रहे हैं, हम सुपरफिशियली लाइक ऑफकोर्स वी आर पोर्ट्रेइंग डॉक्टर्स, बट वो चीज़ सुपरफिशियल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अगर टेक्निकली आप थोड़े साउंड हो जाएँ कि यू नो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, तो आप सेट पे फिर इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, आप दूसरी दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप यू नो हका बका रह जाते हैं कि अब क्या करें. तो आई थिंक जो भी जो पूरा प्रोसेस था जो निखिल सर ने हम लोग के लिए बनाया था, इट वॉज इट जस्ट मेड एवरीथिंग सो ऑर्गेनिक, नेचुरल, ईजी एंड जस्ट सो परफेक्ट टू डू. कि जब भी टाइम मिलता था मज़े करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि यूजुअली बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ क्या होता है, आपको लाइंस पता होती है, तो डॉक्टर्स या फिर मेडिकल टर्म्स के साथ काम करना वाज रियली डिफिकल्ट. तो टाइम मिला तो स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते थे सारे लोग, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड यू नो प्रोनंसिएशन शुड बी राइट. कोई ऐसा टफ वर्ड था? अरे मेरे लिए सब टफ था, कुछ नहीं. ऑफ इंटेस्टाइन इज दैट यू नो ट्रकियोस्ट्रमी. ऑन एन एवरेज हमारे सेट पे ना आपके 6-7 मेन किरदार हो गए जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं मुंबई डायरीज के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोहित भाई 50-60 जूनियर आर्टिस्ट होते थे. ऐसे ऐसे लंबे लंबे शॉट्स होते थे कि वो 4-5 मिनट चल रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, इसकी बॉडी में ये हुआ, इसको ये हुआ, तो आपको इतना ज़्यादा यू नीड टू बी ऑन योर टोज दैट यू कांट अफोर्ड टू स्लिप. अगर आपसे एक गलती हुई, आपने कोई शब्द अगर गलत कर दिया, या अगर आपका कोई एक्शन गलत हो गया, या आप सही समय पे कैमरा अगर यहाँ आए, आप मार्क में नहीं आए, तो वहाँ निखिल सर बैठे हैं. हाँ. और फिर वो टेक फिर से शुरू होगा और वो 50 लोग वापस जाएंगे. ओ, और जिसकी बॉडी कटी थी वो फिर से सी जाएगी. तो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ प्रेशर, बट एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गिव देयर बेस्ट कि मेरे कारण इसका शॉट खराब नहीं होना चाहिए, इसकी एनर्जी जो इतनी अच्छी मिल रही है मैं भी वैसा परफॉर्म करूँ. तो एवरीबॉडी वॉज समवेयर इंस्पायरिंग ईच अदर विद देयर ओन फोकस एंड हार्डवर्क. And not taking it. करते थे हाँ, because somewhere आप ऐसे zone में, मोहित भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप हर किरदार आपकी atmosphere में एक anxiety है, आपके अंदर एक anxiety, आपकी खुद की personal life है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप सबके साथ deal कर रहे हैं. और कई बार ये सारे जो किरदार हैं ना, ये वर्बोस नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. आप उनकी आंखों में देखेंगे, आप उनके फेस पे देखेंगे, आपको सारी कहानी वहीं पे बयां हो जाती है. और एज एन एक्टर अभी मेरे ख्याल से समय यह आ गया तो कितना कम करके मैं आपको पकड़ सकता हूँ इमोशनली. आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू. सी आई स्टिल रिमेंबर, आई जस्ट एक्टर, मुझे याद आया कि जब मेरा पहले दिन था सेट पे, तो जब मैं हमारे चीफ है निखिल नहीं अभय तो मैं जब वहाँ पहुँचा पहले दिन, तो मैंने उनको मैंने अपने पास बुलाया. मैंने कहा यार यहाँ पे इतना शोर क्यों है ये, तो मुझे बहुत शोर, इट इज लॉट ऑफ नॉइज इन इट यहाँ पे. दैट वॉज माई फर्स्ट डे, बिकॉज अभी तक आप ऑन पेपर थे, ऑन टेबल थे, और आपने वो हॉस्पिटल खाली देखा था. बट जब मैं पहले दिन पहुँचा, मैंने कहा यहाँ बहुत शोर बहुत है अभी, यहाँ पे ये इतना शोर क्यों, आवाज़ कम हो सकती है? सर ये तो रूस का, ये तो यहाँ ऐसा ही होने वाला है. दैट्स द टाइम आई रियलाइज कि यार वी हैव टू लिव विद दिस कैओस. सो जैसे हम बता रहे थे कि लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स थे, सो टेक्निकली निखिल सर ने जानबूझ के ऐसा किया था, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सच ही वांटेड टू पोर्ट्रे इट इन अ लॉन्ग 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 शॉट. सो एवरीबॉडी हैड टू बी ऑन देयर टोस. एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन डिजाइनर, द सेट पीपल. आप हमारे सेट पे आते, जो डिटेलिंग थी, पान की पीक से लेकर उस छत जो रस्ती रहती है, एक एक चीज. हमारे जो डॉक्टर ओबरो हैं, उनके सामने वो कुछ फट्टा लगा हुआ है, तराफे लगे हुए हैं, क्या क्या. तो जब उसको बैंग होता है, उसको रूफ को ना गिरा नहीं होता, वो गिरे नहीं होता, तो उसमें वैसे बड़ा सा बंबू लगाया जाता है. सो आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले दिन हम लोग गए थे शूट से 2 दिन पहले गए थे,
सो मैं जब वॉक इन हुआ तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनसे कहा यार तो भी बैम्बू ही लगा हुआ है, लुक शेल्टर सेट तो भी रेडी नहीं हुआ है, शेल्टर भी रेडी नहीं हुआ है, दो दिन में कैसे शूट करेंगे, ये नहीं होने वाला, लेट्स गो एंड हम कहीं छुट्टी पे चलते हैं। सो मैं गया तो मैं निखिल सर से मिला, मैंने कहा सर ये कब से, ये कब कंप्लीट होगा, ये सर कंप्लीट ये ऐसा ही है बैम्बू बिकॉज दिस इज नॉट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, दिस इज ये सर कंप्लीट है, सर ये कंप्लीट कब होगा, हो गया कंप्लीट है, ये कल से शूट करेंगे, कल से शूट करेंगे, तो ये तो ऐसा ही है, दिस इज सच। सो what I want to say is that it was in a private hospital, the backdrop was of a government hospital where the conditions are such, so when you see the show you will realize ki kahin se pani gir raha hai, kahin se kuch wall tooti hui hai, paint ka pura scrub nikla hua hai, you know all these elements added to the show, and also because during that time thodi barish hua, is tarah ka mahol, because barish had just finished that, so that irrespective of that the condition is not that it's not a five star hotel, hospital, or it's not a place where you have private people coming and helping, it's a government institute which is not in the best of its shape, so I'm sure the lot of positive energy in the show, we just heard kitna sara mazedar baatein hame pata chali series ke banne ke dauran, so I hope people love, because ek sahi kahani ko agar sahi dhang se dikhaya jaye tabhi uska message pahunchta hai, I think is tragedy ki jo piche ki jo dastaan hai, jo sacrifices, the kind of human turbulence that happened, I think wo bahut hi acche se, I'm sure the makers ne dikhaya hoga. Thank you so much to the team. It was such a pleasure talking to you. And all the best. You all rock. And I'm looking forward for the series. Thank you so much. Thank you so much.